बहुत टाइम पर ऐसा हुआ कि जो हम लोग कपड़ा पहनते थे वो भी हम दूसरे का छोड़ा हुआ कपड़ा भी पहने निराश मन हो रहा था कि पता नहीं मैं अपने लाइफ के साथ ये खिलवाड़ कर रहा हूँ क्योंकि यही मौका था गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी भी करने का कभी कभी मन में आ रहा था ये सब लोगों का बात सुनकर घर वालों का ताना सुनकर कि हम सुसाइड कर ले एम्बुलेंस हमको निकाला गया दो लोग कंधे में हाथ ला मुझे ले गए एक दिन ऐसा है कि चार लाख भी आए एक महीना में एक दिन का हम पचास हज़ार भी एक दिन में कमाए थे जब कोई मेरे से मिलने आता है तो वो लोग रोने लगते हैं, लगता है कि मैं उनको भगवान भगवान मिल गया हूँ नमस्कार मेरा नाम आनंद कुमार सिंह है और मैं एक आर्टिस्ट के साथ साथ यूट्यूबर भी हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे अभी 5.2 मिलियन सब्सक्राइबर यानी बावन लाख सब्सक्राइबर हैं और मेरा जो कंटेंट है वो आर्ट एंड क्राफ्ट का है मैं यूट्यूब पे आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ और मेरे चैनल का नाम है आनंद आर्ट एंड क्राफ्ट स्टूडियो आज मैं आपके साथ अपने जर्नी शेयर करने वाला हूँ कि मैं आज फाइव मिलियन तक कैसे पहुँचा हूँ जीरो से फाइव मिलियन तक ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ तो सबसे पहले मैं अपने फैमिली के बारे में बताऊँगा मेरे फैमिली में कुल छः लोग हैं दो भाई एक बहन तीन लोग हम लोग थे जिसमें मैं बड़ा था और मेरी बहन सबसे छोटी थी और मम्मी पापा और दादाजी छः लोग थे मेरे परिवार में और रहा बात घर का तो दस बाई दस का मेरा कमरा था उसी में हम लोग सोते भी थे पढ़ते भी थे मम्मी खाना भी बनाती थी पूजा भी करती थी सब कुछ उसी रूम में होता था यहाँ तक कि शौच के लिए हम लोग खुले में ही जाते थे खेत में दोपहर के टाइम जब हम लोग स्कूल से आते थे तो उस टाइम सोने के जब मम्मी हम लोग को सोने के लिए बोलती थी तो उस टाइम बेड पर हम लोग इतने लोग नहीं एडजस्ट कर सकते थे क्योंकि बेड छोटा था तो मम्मी हम लोग को बेड के नीचे सुलाती थी और बेड के नीचे किचन का सब सामान वगैरह भी रखा हुआ होता था तो इस टाइप से हम लोग का लाइफ गुजरा बचपन में और पापा उस टाइम गुजरात में रहते थे और गुजरात में उनको पाँच से छः हज़ार का तनख्वाह मिलता था उसी से हम लोग का जो घर परिवार था ये चलता था और बात मेरा तो मैं बचपन से ही थोड़ा शरमा शर्मीला टाइप का सीधा साधा लड़का था जो लोगों से बात करने में घबराता था आप लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि मैंने बचपन में कभी भी खेला नहीं है इसी सब के कारण क्योंकि जब भी खेलने जाता था तो लोग ये बच्चे लोग झगड़ा करने लगते थे दोस्त लोग चिढ़ाते थे तो जिस कारण मम्मी उन लोगों से दूर रखती थी और अकेला रहने के कारण मेरा लगाव कला किससे जुड़ गया मेरा दिमाग बचपन से ही बहुत क्रिएटिव था मैं जो कुछ भी देखता था तो मुझे लगता था कि ये चीज़ मैं बना दूंगा गांव के लोग जो भी आसपास के लोग जो भी कचरा समझ के जो कुछ फेंक देते थे वो लगता था कि मैं इसका कुछ बना लूंगा तो मैं जब वो फेंक देते थे तो मैं क्या करता था कि वो चीज़ उठा कर ले आता था और उससे कुछ बना लेता था मेरा इंटरेस्ट और ज़्यादा लगने लगा कला से और जब मैं स्कूल जाया करता था तो रास्ते में मूर्तिकार लोग को मूर्ति बनाने बनाते देखता था तो मुझे लगता था कि ऐसा मैं भी बना सकता हूँ तो जब छुट्टी होता था, था स्कूल से तो आते रास्ते में आते टाइम सारे लड़के लोग अपने घर आ जाते थे और मैं क्या करता था कि वहीं पर रुक वो सब देखता था कि ये लोग कैसे बना रहे हैं और जब देखने के बाद घर आता था तो मैं भी ट्राई करता था वैसा बनाने का मूर्ति और यहीं से हुआ मेरा मूर्ति बनाने का स्टार्ट कला जो था मेरे अंदर आए यहीं से और उस टाइम से मैं मूर्ति बनाने लगा और पर गांव में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि मूर्ति जो मूर्ति बनाने का काम सिर्फ कुम्हार लोग ही करते थे और मैं था राजपूत घर का लड़का तो इस इसलिए मेरे घर वाले थोड़ा गुस्सा करते थे कि तुम ये सब क्या कर रहे हो घर का आर्थिक स्थिति ठीक नहीं था तो उन लोगों का सपना था कि ये पढ़ लिख कर कुछ गवर्नमेंट जॉब करे ये मूर्ति बना कर क्या कर गए धीरे धीरे मुझे मूर्ति बनाने का लत लग गया और मैं चुपके घर वालों से चुपके 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 मूर्ति बनाने लगा तो घर वाले डांटते थे तो मैं रात में जब वो लोग सो लो जाते थे तो फिर मैं रात में बनाने लगा पर आप लोग देखे होंगे कि जो मूर्तिकार लोग होते हैं तो मूर्ति बनाने के बाद उसको डेकोरेट किया जाता है उसको कपड़ा पहनाया जाता है तो वैसा मैं भी करता था मूर्ति बनाने के बाद उसको कपड़ा पहनाता था सजाता था तो इस कारण लड़के लोग या गांव के लोग बोलते थे कि अभी तो ये मूर्ति को सजा रहा है उसको कपड़ा पहना रहा है बाद में जब इसका शादी होगा तो ये अपने बीबी को सजाएगा उसको साड़ी पहनाएगा कपड़ा पहनाएगा तो ये सब कहकर ताना मारते थे तो इस टाइम मेरे अंदर कला का भूत सवार हो चुका था कुछ भी कोई कुछ भी बोले मुझे उससे कोई मतलब नहीं था मैं जो सोच लेता था वही करता था और मेरे उस टाइम मेरे साथ ऐसा होता था कि अगर मुझे एक टाइम खाना भी ना दो तो चलेगा पर मुझे ये चीज़ करना है इस टाइप से मेरे अंदर जुनून सवार था और इसी तरह आगे चलता गया एक दिन की बात है कि मेरे घर एक साधु आए भिक्षा मांगने के लिए तो वो जब मेरे घर पे आए तो देखे ये सब जो हम बनाए थे वो सब कला मेरा तो बोले कि नहीं ये सब नहीं करना है कि मत करो ये सब तो हम लोग पूछे कि, कि क्यों नहीं करें तो बोले कि ये सब करोगे तो ज़्यादा दिन नहीं जी पाओगे क्योंकि जो मूर्तियाँ बनाते हैं वो ज़्यादा दिन तक नहीं जी पाते हैं तो ये सब सुनकर मेरे घर वाला थोड़ा परेशान हो गए और बोले कि ये सब हम नहीं करना है तुमको तो घर वाले के दबाव के कारण ये सब छोड़ना पड़ा मुझे और उस टाइम इंटर का समय था तो मुझे पढ़ाई भी करना था क्योंकि बचपन से ही पढ़ाई के लिए हम ताना सुनते आ रहे थे बोली सुनते थे कि तुमको पढ़ना है और इंटर में बहुत खर्चा भी किए थे पापा कि अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो तभी आगे जाकर गवर्नमेंट जॉब वगैरह लोगे तो इंटर के टाइम हम दो साल तक कुछ भी ये सब कुछ नहीं किए थे क कला अपना कलाकारी बंद कर दिए थे दो साल के लिए और उस टाइम पूरा फोकस हम पढ़ाई पे दिए थे क्योंकि मुझे दिखाना था घर वालों को कि मैं मुझे पास करना था क्योंकि घर वाले उस टाइम मेरे पे खर्चा किए थे पढ़ाई पे पर क्या हुआ कि जब एग्ज़ाम आया तो उस टाइम हम एग्ज़ाम भी दिए अच्छे से मेहनत भी किए थे पर एग्ज़ाम का जब रिजल्ट आया मेरे दो सब्जेक्ट में क्रॉस लग गया फिज़िक्स और केमिस्ट्री में उस टाइम उस टाइम एग्ज़ाम का जो पैटर्न था थोड़ा चेंज हुआ था उस वक्त पे सौ में से करीब पंचानवे लड़कों का रिजल्ट में क्रॉस लगा हुआ था फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत घोटाला हुआ था और उसी में मैं भी उस चक्कर में फंस चुका था और मुझे भी फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्रॉस लग गया था जिस कारण मैं रिजल्ट के टाइम फेल हो चुका था तो और मेरा जो भाई था हम लोग बचपन से ही दोनों भाई साथ में ही पढ़ते थे तो मेरा भाई उस टाइम पास हो चुका था तो जब रिजल्ट आया तो बहुत हमको यह सब सुनना पड़ा गांव में कि फलानुआ के छोटका बेटा तो पास हो गए लेकिन जौन बड़का रहे वो फेल हो गए जिंदगी भर मूर्ति बनैलक पढ़े लाका रहे ला तो पढ़त ना रहे आप देखा रिजल्ट के समय आये तो पास कर गए दोनों एक साथ पढ़लन सर सा। आई बार छोटका निकल गए और बड़का फेल हो गए तो उस टाइम पे बहुत बुरा लग रहा था कि छोटा भाई पास कर गया और बड़ा भाई फेल कर गया बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और उस टाइम मेरे मन में ये भी बहुत सारा गलत 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 ख्याल भी आ रहा था कि ठीक सब ठीक बोल रहे थे कि हाँ किसी लायक नहीं है एग्ज़ाम एक एग्ज़ाम में भी हम पास नहीं कर पाए तो कभी कभी मन में आ रहा था ये सब लोगों का बात सुनकर घर वालों का ताना सुनकर कि हम सुसाइड कर लें ऐसा मन में कभी कभी ख्याल भी आ रहा था पर फिर अपने आप को हिम्मत दिए और मुझे था कि इसी साल मुझे पास करना है फेल वालों के लिए दो महीना के बाद होता है कंपार्टमेंटल कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम तो हम उसी में फॉर्म भरे कि मुझे इसी साल पास करना है तैयारी करने के कुछ ही दिन बाद मतलब कि एग्ज़ाम से 20 दिन पहले मेरा तबीयत बिगड़ने लगा और एग्ज़ाम नज़दीक आते आते मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगा मेरे मेरा जो मुंह था इसके अंदर कुछ तकलीफ था घाव होने लगा अंदर और एग्ज़ाम का डेट जैसे जैसे, जैसे नज़दीक आने लगा पूरा अंदर तक हो गया और जिस कारण मैं मुझे खाना खाए हुए दस दिन हो चुका था और मैं बेड पे सोया रहता था, था और फिर भी मेरा जीत था कि मुझे एग्ज़ाम देना है घर वाले बोलते थे कि नहीं नहीं जाना है कि ऐसे हालत में कैसे दोगे कैसे दोगे एग्ज़ाम पर मेरा जीत था कि नहीं हमको देना है तो देना है। मुझे दिखाना था कि इसी साल मुझे पास करना है तबीयत इतना ज़्यादा बिगड़ चुका था कि मुझे दस दिन खाए हुए हो चुका था और पूरा शरीर कमज़ोर हो चुका था तो बिस्तर से अब हम उठने वाले भी नहीं थे फिर भी मेरा जीत था कि मुझे एग्ज़ाम देना है और हालत ऐसा हुआ था कि घर वालों को लगा था कि अब ये बचेगा नहीं पूरा मेरा आखिरी पोजीशन था लग रहा था कि कल का सुबह या देखेगा कि नहीं देखेगा लोग मेरा मरने का इंतजार कर रहे थे कि अब ये मर जाएगा ऐसा लोग घर वालों को लग रहा था मम्मी उस टाइम फर्स्ट टाइम हम अपने पापा को देखे थे मेरे लिए रोते हुए सबको लग रहा था कि अब तो ये बचेगा है ही नहीं पर इसका अंतिम इच्छा है कि मुझे एग्ज़ाम में बैठना है तो चलो इसका अंतिम इच्छा पूरा किया जाए तो और जो आसपास के लोग भी थे वो भी बोल रहे थे कि अब क्यों इसके जिद में पड़े हो मत दिलवाओ एग्ज़ाम अब क्या करेगा एग्ज़ाम देकर रखो घर पे ही रखो पर जी मेरा इच्छा पूरा करने के लिए उनको भी ल, ये लग रहा था कि अगर कुछ हो जाए बिहान के अगर कल के डेट में अगर इसको कुछ हो जाए तो ज़िंदगी भर का अफसोस रहेगा कि उसका एक इच्छा था वो भी हम पूरा नहीं कर पाए कि चलो इसका है तो हम ले चलते इसको एग्ज़ाम दिलवाने के लिए जब वहाँ पर कॉलेज के पास पहुंचे तो एम्बुलेंस लगा तो पूरा कॉलेज का लड़का लोग सब लोग देखने लगा पूरा टीचर वगैरह लोग टीचर लोग भी देखने लगे कि ये कैसा स्टूडेंट है जो एम्बुलेंस से आया है और उस टाइम मेरे मुँह के अंदर जो बीमारी था मेरे मुँह के अंदर ही था तो जिस कारण मेरे मुँह से लार टपक रहा था और मक्खी वगैरह भी लग रहा था जिसके कारण सब लोग थोड़ा सबको घिन आ रहा था और मेरे पूरे बॉडी पे ये कपड़ा लपेटा हुआ था उस टाइम ये सब जो लार निकल रहा था उसके लिए तो जब हम निकले एम्बुलेंस हमको निकाला गया दो लोग कंधे में हाथ लगा कर मुझे ले गए इस अंदर कॉलेज में लास्ट कोने में मुझे बैठा दिया गया बेंच पे बस उन लोग को भी लग रहा था कि ये तो बस इसी तरह है कुछ पास वास करेगा नहीं रख देते हैं इसको पर हम जब हम घर पे थे तो उस टाइम मेरे सामने हम मम्मी से बोलते थे इशारों इशारा इशारा में कि मेरे पास रख दो बुक खोलकर हम देखते रहेंगे तो जब लोग मुझे देखने आते थे तो उस टाइम हम बगल में किताब खोलकर रखा हुआ रखा हुआ रहता था और हम देखते रहते थे तो मेरे और उस टाइम हम पढ़ते रहते थे तो वो सब मुझे याद था बस हम बोल नहीं पा रहे थे तो वहाँ पे भी हम गए तो क्वेश्चन मिला सोए सोए हम वहाँ पे लिखने लगे और कुछ इस प्रकार से हम अपना एग्ज़ाम दिए इंटर का और जब रिजल्ट आए तो हम फर्स्ट डिवीज़न से पास भी किए और धीरे धीरे हम उस टाइम ठीक भी होने लगे थे रिजल्ट आने वक्त तक दवाई सेट करने लगा था हम ठीक भी होने लगे थे फिर घर वाले सब खुश हुए रिजल्ट आए तो गांव वाले भी खुश हुए कि चलो इस स्थिति में गया फिर भी पास हुआ पर उस टाइम के बाद मेरे ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था घर वालों की तरफ़ से अब कि तुमको अब ये सब करना नहीं है मूर्ति वगैरह क्योंकि जो साधु बाबा आए थे मेरे घर और जो भविष्यवाणी किए थे कि जो ये सब काम करता है उसका जीवन लंबे समय तक नहीं होता है ये बात मेरे घर वालों को अब सच लगने लगा था तो इसीलिए मेरे ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था कि अब तुमको ये सब काम नहीं करना है जिस कारण मुझे घर वालों के दबाव के कारण मुझे इस कला को छोड़ना पड़ा मुझे रोकना पड़ा और उसके बाद फिर ग्रेजुएशन में, में मेरा एडमिशन हुआ और फिर हम लग गए ग्रेजुएशन की तैयारी में उसके साथ ही साथ पढ़ने भी लगे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लगे फिर इसी तरह सिलसिला चलता रहा पर मेरा ड्रीम था कि हम बीएफए का कोर्स करना चाहते थे फाइन आर्ट का कोर्स बैचलर ऑफ फाइन आर्ट पर इस कोर्स के लिए करीब आठ लाख रुपया खर्च लग रहा था जो मेरे माता पिता अफोर्ड नहीं कर पाते तो इस कारण मेरा इस सपना छोड़ना पड़ा और फिर हम अपने पढ़ाई लिखाई में लग गए और इसी तरह चलता रहा उस टाइम टिकटॉक का जमाना था और मुझे जब मैं मैट्रिक पास किया था तो उस टाइम मुझे दस हज़ार रुपया मिला था तो उसी से हम लोग इंटेक्स का मोबाइल भी खरीदे थे तो उसी इंटेक्स के मोबाइल से जब हम लोग इंटर का क्लास कर रहे थे तो वाईफाई से कनेक्ट होकर स्टेशन पर हम लोग वीडियो डाउनलोड करते थे और वीडियो में हम बचपन से ही मुझे एडिटिंग फोटो एडिटिंग वीडियो एडिटिंग इन सब का शौक़ था तो हम वहीं पर देखते थे और मुझे लग रहा था कि कभी हम आगे चलकर जब हम चैनल खोलेंगे तो ये सब सीखे रहेंगे तो काम करेगा तो ये सब हम उस टाइम सीखते थे इंटर के समय में स्टेशन पे वाईफाई से कनेक्ट होकर मेरा मन पढ़ाई लिखाई में फिर भी नहीं लग रहा था मेरा दिमाग वहीं पे जा रहा था बार बार पर घर वालों के दबाव के कारण नहीं कर पा रहा था फिर हम एक दिन सबको बैठाएं और बोले कि नहीं मुझे यही करना है घर वालों को बहुत प्रेशर दिए तो फिर घर वाले मान गए पर ये बोले कि ठीक है क्राफ्टिंग करो लेकिन मूर्ति नहीं बनाना है और ये छोड़ मूर्ति छोड़कर बाकी अब बाकी तुम कुछ भी कर सकते हो हम टिकटॉक जब बंद होने वाला था उससे कुछ दिन पहले ही हम टिकटॉक पे आए थे और बहुत ही कम समय में हम दो लाख से भी ज़्यादा फॉलोअर्स वहाँ पे इकट्ठा कर लिए थे पर कुछ ही दिन बाद टिकटॉक भी बैन हो गया फिर कुछ दिन के बाद ये सब मामला धीरे धीरे शांत होने लगा तो मेरा भाई बोला कि अब ये सब छोड़ो चलो यूट्यूब स्टार्ट करते हैं कि यूट्यूब में बहुत पैसा है क्योंकि मेरा जो भाई था उसको यूट्यूब का नॉलेज शुरू से ही था वो हमेशा से बोलता था कि तुम यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो पर मेरे पास उतना संसाधन नहीं था कि हम यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते शुरू में तो मेरे पास ट्राईपोर भी नहीं था स्टैंड वगैरह नहीं था वीडियो बनाने के लिए तो उस टाइम क्या करता था, था कि जो गैस चूल्हा का जो सिलेंडर होता है उसी में लकड़ी बांध कर और उसमें मोबाइल लगा कर उसी से मैं वीडियो रिकॉर्ड करता था और क्वालिटी अच्छा है तो उसके लिए लाइटिंग भी चाहिए तो लाइटिंग के लिए मैं छत पर जाता था और सूरज के धूप में मैं सन में मैं वीडियो रिकॉर्ड करता था कि क्वालिटी अच्छा है उस टाइम बहुत गर्मी भी लग रहा था लगता था और मम्मी को ये सब अच्छा नहीं लगता था कि धूप में बना रहा है तो उतना देर वो छाता लेकर मेरे पीछे खड़ा रहती थी और इस इस तरह से मैं वीडियो बनाता था व्हाइस ओवर के लिए जब सब रात में सो जाते थे तो जब सन्नाटा हो जाता था पूरा तब तो मैं रात में वॉयस ओवर करता था ताकि खटपट का आवाज़ ना आए वीडियो में और कुछ इस तरह से हम अपना यूट्यूब जर्नी स्टार्ट किए यूट्यूब में और वीडियो बनाना स्टार्ट किए शुरू में बहुत सारा अलग अलग टाइप का वीडियो बनाएँ मुझे ये मालूम नहीं था कि पब्लिक को क्या अच्छा लग रहा है तो अलग अलग टाइप का क्राफ्ट तैयार बनाना सिखाए यूट्यूब पर वो सारे वीडियो वायरल नहीं हो रहा था तो बहुत निराश निराश मन हो रहा था कि पता नहीं मैं अपने लाइफ के साथ ये खिलवाड़ कर रहा हूँ क्योंकि यही मौका था गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी भी करने का और उसी टाइम मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया था पढ़ाई लिखाई छोड़कर तो ये सब लग रहा था कि मैं अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा हूँ गार्जियन मेरा जो गार्जियन था वो ठीक ही कर रहा था ये सब छोड़ देना चाहिए पर तो अर... जब ये पर मैं ये स्टार्ट कर दिया था तो मुझे था कि अब इसे भी कर कर दिखाना है जब स्टार्ट किया हूँ तो फिर मैं एक दिन अपने चैनल चारा पे एक मूर्ति का वीडियो डाला बनाकर और वो वीडियो लोगों को अच्छा लगने लगा वायरल होने लगा तो मुझे मालूम चल गया था कि मूर्ति की वीडियो डालने से यूट्यूब पे वायरल हुआ लोगों को अच्छा लग रहा है तो मैं उसके बाद मूर्ति का वीडियो डालने लगा यूट्यूब पर और वो वायरल होने लगा पुराना जो भी वीडियो था वो सब भी वायरल होने लगा तो जिस कारण हम लोग खुश होने लगे और धीरे धीरे लगातार चार महीना मेहनत करने के बाद मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो गया मोनेटाइज होने के बाद जो फर्स्ट डे पैसा आया तो बावन रुपये आया था और बावन रुपये देकर हम लोग बहुत ज़्यादा निराश हुए थे क्योंकि ये लग रहा था कि इतना मेहनत किए रात दिन लगातार और मात्र बावन रुपये हम इनकम हुए जिस कारण थोड़ा निराश हुए पर जब ये बात पापा को पता चला कि चार महीना मेहनत करने के बाद, बाद बावन रुपया प्राप्त हुआ तो पापा बोले कि अच्छा तो है इसमें खर्चा ही क्या है ऐसे भी ये लोगों का बेगारी खर्चता था दिन भर काम करता था तो उससे तो ठीक ही है अपना बावन रुपया इसमें तो खर्चा भी नहीं है बावन रुपये इसके लिए बहुत है इतना में तो ये अपना पूरा ज़िंदगी निभा लेगा ये सब बोलते थे मतलब उनको ये अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरे मना करने के बावजूद भी ये काम किया और देखो पैसा क्या मिला बावन रुपये में इसीलिए ये सब हालाँकि वो मेरे दुश्मन नहीं थे वो गार्जियन थे वो मेरे भले के लिए ये सब बोल रहे थे कि ताकि मैं अभी से भी अभी से भी सुधर जाऊँ पर उस टाइम मेरी माँ मुझे बहुत सपोर्ट की मम्मी बोली कि ये, ये मत देखो कि बावन रुपया है ये देखो कि पैसा तो आया YouTube से क्योंकि मम्मी को विश्वास नहीं था कि यूट्यूब से पैसा भी आता है फर्स्ट टाइम यूट्यूब से पैसा देखी आते हुए तो बहुत खुश हुई कि चलो आज बावन रुपया आया कल पाँच सौ आएगा हज़ार रुपया आएगा इसी तरह बढ़ते जाएगा तो ये बात कह के उस टाइम मम्मी हम लोग हमको समझाई लेकिन से, सेम ऐसा ही हुआ कल होकर चार सौ रुपया आया यूट्यूब से तो हम लोग खुश हुए कि चलो कहाँ बावन रुपया और एक बाइक चार सौ रुपया आया आया तो खुश हुए हम लोग फिर कल होकर पाँच सौ आया तो और ज़्यादा खुश हुए इसी तरह हज़ार रुपया पंद्रह सौ और पूरा महीना का जब हम लोग जोड़े तीस दिन का तो उस महीने का जो फर्स्ट पेमेंट आया था वो छब्बीस हज़ार रुपये आया था जो हम लोग के लिए बहुत बड़ा रकम था छब्बीस हज़ार रुपया क्योंकि पापा उस टाइम दस से बारह हज़ार रुपये कमाते थे और वो भी घर से दूर रहकर और हम घर पे ही रहकर और अपने मन पसंदीदा काम करके छब्बीस हज़ार रुपये कमाए थे बहुत हमको खुश बहुत हम लोग खुश हुए मेरे घर वाले भी पापा भी उस टाइम बहुत खुश हुए और उस टाइम मुझे गांव वालों को दिखाना था कि मैं भी अब कमाने लगा तो उस फर्स्ट पेमेंट से मैं अपने गांव में भोज किया था दिन में मैं सत्यनारायण भगवान का पूजा किया सब गांव वालों को बुलाया और उस टाइम उसी दिन मेरा बर्थडे भी था तो बर्थडे भी किए और गांव वालों को भोज भी खिलाए उसी पैसा से फर्स्ट पेमेंट से और मेरा मेरा ये सपना था कि मैं दो साल के अंदर ही मैं यूट्यूब से सिल्वर बटन प्राप्त कर लूँगा पर ए, मुझे ये नहीं मालूम था कि चैनल स्टार्ट होने के बाद सात आठ महीने बाद ही मेरा एक लाख सब्सक्राइबर पूरा हो चुका था यूट्यूब पर मुझे सिल्वर प्ले बटन मिल चुका था और धीरे धीरे मेहनत करते करते साल पूरा होते होते मुझे गोल्डन बटन भी यूट्यूब से मिल चुका था तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश होने लगे थे और उस टाइम पेमेंट जो छब्बीस हज़ार आया था उसके बाद तीस हज़ार आया चालीस हज़ार आया पचास हज़ार इस तरह बढ़ते गया और एक दिन ऐसा आया कि एक लाख भी आया एक महीने का तो उस टाइम तो मेरे घर में पूरा खुशहाली का माहौल था कि कहाँ दस बारह हज़ार कमाने वाला आदमी उसके घर में एक लाख रुपया कमाया कोई एक महीने में बहुत खुशी की बात था मेरे घर में तो उस टाइम मेरा भाई बोला कि लाख रुपया तो बहुत कम है यूट्यूब से दस दस लाख भी लोग कमाते हैं कि तुम अब बस तुम अपने काम पर फोकस करो लगे रहो और भी आएगा ही और भी इनकम होगा तो फिर हम अपना लगे रहें और उसके बाद वीडियो बनाते गए और फिर एक दिन लाख के बाद फिर दो लाख आया तीन लाख आया फिर एक दिन ऐसा है कि चार लाख भी आया एक महीना में एक दिन का हम पचास हज़ार भी एक दिन में कमाए थे जो हमारे लिए बहुत बड़ा बात था चार लाख रुपया कमाना कभी सपने में भी हम नहीं सोचे थे कितना पैसा हम घर रहकर जो मम्मी पापा बोलते थे, थे गवर्नमेंट जॉब करो तो पैसा मिलेगा तो घर का आर्थिक स्थिति ठीक होगा और कहाँ हम और कि हम ये सोचते हैं कि कौन सा ऐसा नौकरी करेंगे कि हमको महीने का चार लाख रुपया मिलेगा दो लाख मिलेगा तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा बात था और इस कला को मैं आगे भी जारी रखूँगा क्योंकि इसी कला के कारण मैं आज जो कुछ भी हूँ इसी कला के कारण हूँ यहाँ तक जीरो से लेकर फाइव एम तक मुझे इसी कला ने पहुँचाया है तीन साल पहले देखा जाए तो मैं कुछ भी नहीं था इसी कला के चलते मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ और जो भी मान सम्मान मिला मुझे आज इसी कला की वजह मुझे गूगल ऑफिस में बुलाया गया जो गूगल पूरा दुनिया को संभालता है उस, उसने मुझे इनवाइट किया था गेस्ट के रूप में गूगल ऑफिस में तो ये बहुत बड़ी बात है और इस कला की वजह से हम फर्स्ट टाइम फ्लाइट पे भी बैठे और फ्लाइट पर बैठना बहुत नॉर्मल बात है बहुत लोगों के लिए पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम जिस जगह से आते हैं वहाँ पर फ्लाइट को सिर्फ आसमान में ही देखा जाता है तो इसी कला की वजह से मुझे फ्लाइट पर भी बैठने का मौका मिला आज भी लोगों को समझ में नहीं आता है जो लड़के लोग हैं नए के लिए वो तो समझ जाते हैं पर गांव में जो बुजुर्ग लोग हैं उनको समझ में नहीं आता है कि आखिर ये यूट्यूब से कमाता कैसे हैं। क्योंकि उनको लगता है कि जो बनाता है ये तो घर पे ही है तो वो लोग भोजपुरी भाषा में बोलते हैं हम लोग बिहार से हैं तो छपरा जिला में भोजपुरी बोला जाता है तो वहां पर ऐसे बोलते हैं लोग कि तू कि तो बनावा तार तो हर घर में बाू चीज़ ते चीज़ तारा पैसा कैसे मिल जाता वो आई तरह से खरीदी तब ना नारा पैसा मिली तो ये तारा पैसा कैसे मिल जाता हम लोग को विश्वास नहीं होता है कि कैसे घर बैठे इतना इतना ये पैसा कमा लेता है बचपन में हम लोग जिस जिस चीज़ के लिए तरसे थे वो सब चीज़ आज हम वो सब चीज़ हमको मिल रहा है इस यूट्यूब की वजह से मुझे याद है कि मेरा भाई एक जगह गए था रिलेशन में तो वहाँ पे लड़का लोग बोला था कि इसके घर एसी नहीं है फ्रिज नहीं है टीवी नहीं है तो इसके लिए ये मेरे घर आता आता है तो ये बात जब ये बताया था तो मुझे मुझे बुरा लगा था तो तो मैं, मैं हम उसी टाइम सोचे थे कि जब हम कमाने लेंगे तो ये सब ज़रूर खरीदेंगे और आज और आज घर वालों को बहुत प्राउड फील होता है क्योंकि लोग मेरे, मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं जब कोई मेरे से मिलने आता है तो वो लोग रोने लगते हैं लगता है कि मैं उनको भगवान भगवान मिल गया हूँ मेरा पैर पकड़ने लगता है ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता है मुझे याद है कि बीस रुपया बचाने के लिए हम लोग जब पढ़ने जाते थे तो आठ आठ दस दस किलोमीटर पैदल चलते थे कि बीस रुपया बच जाए कि कल के लिए भाड़ा इकट्ठा हो जाए बहुत टाइम पर ऐसा हुआ कि जो हम लोग कपड़ा पहनते थे वो भी हम दूसरे का छोड़ा हुआ कपड़ा भी पहने हैं उस टाइम पे कपड़ा भी हम नहीं खरीद सकते थे और वो सब दिन याद करते हैं और आज का दिन याद करते हैं तो बहुत ज़मीन और आसमान का अंतर होता है तीन साल पहले हम एकदम नीचे ज़मीन पे थे और आज यूट्यूब पूरा यहाँ तक पहुँचा दे हमको मेरी मम्मी को हमेशा से मेरे से प्रॉब्लम था कि बहुत शर्माता है लोगों के पास जाता है तो बोल नहीं पाता है इसके लिए वो बहुत टेंशन में रहती थी पर आज मैं इस मन से मेरी मम्मी को भी बताना चाहता हूँ कि आपका वो बेटा जो अपने लिए H10, H10 नहीं ले पाता था लोगों के साथ लोगों के सामने बोलने से शर्माता था वो लड़का आज जो स्टॉक के मन से आपको प्राउड फील करवा रहा है अपने गांव समाज अब अप, अपने बिहार का प्राउड नाम ऊँचा कर रहा है जो मेरे पिताजी बोलते थे कि गवर्नमेंट जॉब करो गवर्नमेंट जॉब करो तो हम मुझे नहीं लगता है कि हम कौन सा ऐसा जॉब करते कि मुझे महीने का चार लाख रुपया मिलता है मुझे नहीं लगता है और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा जो ये कला है ये इस कला का मेरा कोई गुरु नहीं है ये सब मैंने खुद के दम पे ये सब सीखा है खुद से सोच कर ये सब सीखा है कोई सिखाया नहीं मुझे और आज मैं यूट्यूब पे बावन लाख लोग से भी ज़्यादा लोगों को मैं सिखाता हूँ ये कला इंस्टा पे मैं अढ़ाई लाख से भी ज़्यादा लोगों को और फेसबुक पे एक लाख लोगों से भी एक लाख लोग से भी, लोग भी ज़्यादा लोगों को मैं सिखाता हूँ ये कला जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और अभी जितने भी गार्जियन देख रहे होंगे इस वीडियो को तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपका बच्चा आप लोग आपसे बोल रहा है कि मुझे डॉक्टर बनना है इंजीनियर बनना है या एक्टर बनना है कुछ भी बनना हो तो उस टाइम आप लोग उनको उनका साथ दीजिए उसको अकेला मत छोड़िए क्योंकि वही वो वक्त है जब उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपकी होगी आप लोग अपने बच्चे को सपोर्ट कर सपोर्ट कीजिए क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी वो आगे कुछ कर सकते हैं जो जो मेरे साथ घटना हुआ है हम नहीं चाहते कि किसी और बच्चे के साथ ये सब हो और आप लोग अपना सपना अपने बच्चों में मत देखिए उनका जो सपना है वो उनको पूरा करने दीजिए और तब देखिए कि आपका बच्चा क्या कमाल करते हैं और मैं जाते जाते मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि, कि किसी भी आदमी का सक्सेस के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है और सा, मेरे साथ भी यही हुआ था मेरे ये ज़ीरो से फाइव मिलियन तक के सफर में एक शख्स का हाथ था और वो था मेरा भाई था तो ये मेरा छोटा भाई है जिसका नाम आलोक है और शुरू से ये मेरा बहुत ही सपोर्ट किया है यहाँ गांव से लेकर गांव से यहाँ तक जो स्टॉक के मंच तक आने तक या गूगल ऑफिस तक जाने तक ये सब इन सब में इसका बहुत बड़ा रोल रहा है और आज जो मैं जो कुछ भी हूँ उसमें सारा श्रेय मेरे भाई को जाता है तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा प्राउड भी फील करता हूँ कि मेरा भाई है मेरे साथ और इसी के साथ मैं अपने वानी को भी नाम देता हूँ थैंक यू हेलो हम में से बहुतों का सपना है आई ऑफिसर बनना लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है और हो सकता है कि हमारे मन में ये दो क्वेश्चंस हैं तो पहला सवाल ये कि हम कोचिंग कहाँ से लें और दूसरा सवाल ये कि अगर हम किसी कोचिंग में एडमिशन लें तो हमारी फीस पर हमारी कुछ बचत हो पाए और इसलिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स को हेल्प कर सकते हैं उनकी इस जर्नी में तो अगर आप यूपीएससी के लिए कोचिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है जहां आप अपने नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं और जो शेयर करेगा उनमें से एक इंस्टीट्यूट है के एच डी आई एस जो स्टॉक्स और भी कोशिश करेगा कि दूसरी कोचिंग्स भी हमें कॉन्टेक्ट करें और वो अपनी ऑफरिंग्स और कोर्सेज की सारी इंफॉर्मेशन हमें दें। अगर हम में से किसी एस्पिरेंट को इंटरेस्ट है कोचिंग लेने के लिए तो हम अपने नाम और नंबर दे सकते हैं और हमें इसके द्वारा कोचिंग कॉन्टेक्ट करेगी तो अब जोश के स्टूडेंट्स घर बैठे फोन पर गाइडेंस और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और एडमिशन भी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल एस्पिरेंट्स जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है जय हिंद